फीफा विश्व कप में मेसी का जादू जारी है। अर्जेंटीना ने विश्व कप के सेमीफाइनल में क्रोएशिया को 3-0 से हरा दिया। पहले आधे घंटे तक आगे पीछे रहने के बाद दक्षिण अमेरिकी दिग्गजों को पहली सफलता तब मिली जब कप्तान लियोनेल मेसी ने पेनल्टी पर गोल किया। स्ट्राइकर जूलियन अल्वारेस के तुरंत बाद 2-0 स्कोरलाइन के साथ पहले हाफ के खत्म होने के साथ बढ़त को दोगुना कर दिया है। इस बीच मेसी ने एक बार फिर अपना कमाल दिखाया। उन्होंने अल्वारेस के डबल के लिए शानदार सहायता देते हुए क्रोएशिया के डिफेंस को ट्रिपल किया और इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने 8 साल में अपने दूसरे विश्व कप फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जहां दक्षिण अमेरिकी दिग्गज जीत के साथ फाइनल में पहुंचे हैं, वहीं उनके कप्तान लियोनेल मेसी ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए कुछ रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। क्रोएशिया के खिलाफ अपने पेनल्टी के साथ मेसी ने महान माराडोना को पीछे छोड़ दिया और 11 गोल के साथ विश्व कप में इतिहास रच दिया और अर्जेंटीना के टॉप स्कोर करने वाली खिलाड़ी बन गए। We love Messi. He's such a great player, and we love to see him today. We want to see him win all the way, the whole World Cup. Sunday, he's going to win. और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी रहेंगी। इसी के साथ ही तमाम अपडेट्स के लिए आप हमें सोशल मीडिया पर लगातार फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत।